नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। मोदी सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं और 6 महीने में सरकार किस हद तक अपने वायदे पूरे कर पाई है, इस पर बात करने के लिए आज सीधी बात कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान हैं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद। स्वागत है सर आपका आज तक। धन्यवाद। सबसे बड़ा और सबसे अहम वादा जो था मोदी सरकार का, वो ब्लैक मनी का था, काला धन का था। 100 दिन का आपने एक टाइम रखा था देश के सामने कि 100 दिन में 3-3 लाख रुपए सबको मिल जाएंगे, देश में जो बाहर जो काला धन है वो सारा देश लौटाएगा। सर हमारी जेब में तो नहीं आया अभी 3 लाख रुपए। आपकी जेब में आएगा भी नहीं। क्यों नहीं? हाँ, नहीं आएगा आपकी जेब में। पहली बात आप जान लीजिए कि SIT हमने बनाई पहली कैबिनेट मीटिंग में, जिसको मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार ने 3 साल नहीं बनाया, फर्स्ट डे, और उसका पब्लिक अनाउंसमेंट मैंने किया था। आज G20 में जाके मोदी जी बोलते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय विषय बनता है। आज पूरी दुनिया की बाकी, चाहे स्विट्जरलैंड और बाकी, वो कोऑपरेट करने को तैयार है। अरुण जेटली ने साफ कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने और SIT के सामने लिस्ट दे चुके हैं नाम किसके हैं, कब उसका खोलना है, एक बार कॉन्फिडेंशियली क्लॉज है, जैसे ही प्रोसिक्यूशन शुरू होगा चार्जशीट फाइल करेंगे वो आएगा। उन 450 में 250 ने ओन अप कर दिया कि हमारे पैसे हैं। तो इतनी कार्रवाई हुई सिर्फ 5.5 महीने में हुई, जो कांग्रेस की सरकार में 10 साल में कुछ नहीं हुई थी। तो हम काफी कुछ कर रहे थे सर, पर अब जैसे अगर हम पार्लियामेंट में बयान सुने तो लगता है कि बीजेपी कांग्रेस बन गई है, कांग्रेस बीजेपी बन गई है। पहले आप कहा करते थे कि नाम बताओ, क्यों नहीं। मेरे पास पुराने बयान है, आडवाणी जी का बयान है, आपका बयान है, राजनाथ जी का बयान है, 2011 से बयान चले आ रहे हैं कि क्यों डरते हैं नाम बताने से, क्यों नहीं बता देते हैं नाम, बताइए, रिवील कीजिए सारे नाम, कोई छिपाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे बयान है, बहुत बड़े बात के बयान है। तो SIT बनाया, SIT को नाम दे दिया, सुप्रीम कोर्ट को नाम दे दिया, नाम छुपाया नहीं, हम आप पब्लिक करने की बात। एक मिनट। अब जैसे अरुण जी ने एक बात कहा, आप तो बड़े समझदार राहुल कमल संपादक हैं, पत्रकार हैं, पैसा है विदेश में, जमा किया है भारतीयों ने, अपराध किया है भारत में, लेकिन सबूत विदेश में है, तो आप चाहते हैं कि उनका नाम पहले खोल दें कि बाकी सबूत जो देश देने को तैयार है वो न दें। अगर वो कहते हैं कि हम तुम्हें सबूत दे देते हैं, जिस दिन तुम क्रिमिनल केस फाइल कर दोगे आप रिलीज कर दो। सर आप इतने बड़े वकील हैं, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट तो जब आप विपक्ष में थे तब भी थी, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस ये नाम इसलिए नहीं बता पा रही क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। माफ करिए, अब सरकार में आने के बाद आप कहते हैं कि अग्रीमेंट है। माफ करिए, कांग्रेस की तुलना हमारी मत करिए, हम SIT में नाम दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं, हमने अपना काम हफ्ते भर में पूरा कर दिया है। क्षमा करिए, आप बी करेक्ट ऑन फैक्ट्स। हमने सिर्फ ये कहा है कि जब उन्होंने हमसे कहा कि आपको हम और सबूत देंगे, आप हमारे पास प्रमाण लाइए, हमारी सारी बातें बताइए, तो हम सबूत इकट्ठा करके अगर पैसा लाने की भी कार्रवाई कर रहे हैं और उनको जेल भिजवाने की भी कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें आपको परेशानी किस बात की? सर 627 नाम है, पहली रिपोर्ट जो है ब्लैक मनी पर वो हमने पढ़ी, आज तक पर खबर चली, उसमें से 289 नाम जो हैं उनके अकाउंट्स में कोई पैसा नहीं है, आज की तारीख में उनके अकाउंट्स में 0 बैंक बैलेंस। अब ये हमको आपसे खबर मिल रही है, लेकिन एक बात बताएं। नहीं तो आप जानते ही हैं। अगर एक बात बताएं, अगर आपसे मुझे खबर मिल रही है तो मैं ये आशंका क्यों ना करूं कि ऐसे लोगों को पिछली सरकार से संकेत भी मिले थे कि हटाओ यहां से। आपको मालूम है ऐसा हुआ? नहीं, मैं आपसे आशंका बता रहा हूं, क्योंकि पहले ये हुआ कि अमाउंट तय है कि कितना ब्लैक मनी है, अब बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि ब्लैक मनी कितना है। नहीं, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन परिस्थितियों के आलोक में अपना संदेह और आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि पैसे तो थे, अब हमने मालूम किया कि पैसे कैसे वापस किए गए। आपको बताऊं, अब एक इंटरनेशनल एक ट्रीटी बनने की बात हो रही है कि जब भी विदेश में पैसे जमा होंगे तो जहां से आए उसके ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जाएगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाएगा, ये सारी बातें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, G20 जहां दुनिया के सबसे मजबूत देश आते हैं, वहां हमारे प्रधानमंत्री की पहल के बाद ये फैसला हो गया है कि ब्लैक मनी और जो काले धन विदेशी बैंकों में जमा है उसको लाने के लिए सभी देश एक हों, ये हमारी बहुत बड़ी विजय है। अच्छा दूसरे मुद्दे पे आते हैं, वो PM बार बार विदेश दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए तो NRI PM है, हिंदुस्तान में वक्त कम बिताते हैं, विदेश के दौरे का इनको बड़ा शौक है। कांग्रेस तो हारे हुए हैं, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। आप कांग्रेस इतने प्रभावित कब से होने लगे? मैं सवाल ये लग रहा है, मुझे लगता है कि अभी नहीं, मैं किसी से प्रभावित नहीं। आपने तो खुद सिडनी में और न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में नरेंद्र मोदी के प्रभाव में लोगों को रोते हुए देखा है, मैंने TV पर देखा है। सही बात है। देखिए, आज नरेंद्र मोदी के कारण राहुल कमल बाबू देश का मान बढ़ा है, हिंदुस्तानियों का मान बढ़ा है, और मेरा भी मान बढ़ा है और आपका भी मान बढ़ा है। जो भारत को लोग एक प्रकार से हेय दृष्टि से देखते थे, आज पूरे, मैं खुद गया जर्मनी,
मैं गया था आपके साउथ कोरिया, बाकी देशों में कितना भारत के प्रति नया उत्साह है। मैं आईटी मिनिस्टर हूँ, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हूँ, रोज नए नए लोग पूंजी निवेश करने के लिए आ रहे हैं। तो आज भारत पूंजी निवेश, आशा, अपेक्षा और विकास की किरण के रूप में देखा जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी ने 5 महीने में किया। पर जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि माहौल तो बदला है, चलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। हवाई हवाई बातें हो रही हैं, जमीन पर अच्छे दिन का अभी भी लोग इंतजार। तो मैं आपको एक जवाब, आपने पूछा तो जरा मैं अपनी बात कह दीजिए। आप, हमने लाया था जनधन योजना, 27 अगस्त को पहले दिन गरीब आदमी का 25 करोड़ बैंक अकाउंट खुलता है, 1 लाख रुपया इंश्योरेंस, 30,000 रुपया एक्सीडेंट कवर, 5,000 रुपया विड्रॉल। आज वो 7.5 करोड़ हो गया है, 80% गरीब लोगों का कवरेज हो गया है। और मोदी जी का निर्देश है 26 जनवरी तक उसको अकाउंट को 10 करोड़ करो। और मालूम है राहुल कुमार जी, हमने नहीं कहा था कि गरीबों को पैसा जमा करना है, लेकिन 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया करके इस देश के गरीबों ने 6,000 करोड़ रुपये जमा किए। ये होता है, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। मैं आई टी की बात करता हूँ, कल हमने ई वीज़ा लागू किया कि नहीं लागू किया, जो गड़बड़ होती थी। इस देश में जो पेंशनर्स हैं उनको अपने पेंशन के लिए हर साल नवंबर में जिंदा होने का प्रमाण पत्र करना देना पड़ता था, उसको हमने किया। कल मैं एक काम करने जा रहा हूँ, माईगव हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसमें लोगों को मैं जा रहा हूँ पुरस्कृत करने। आप देश के विकास, गंगा, इन्फेंटिसाइड, इन्वायरमेंट के बारे में अपनी राय दीजिए। 15 दिन में 2 लाख लोगों ने राय दिया, पीएमओ उनसे कॉन्टैक्ट करता है। ये जो जनधन योजना का नाम है उन्होंने ही किया। हमने उनसे कहा 15 अगस्त को मोदी जी ई ग्रीटिंग्स भेजना चाहते हैं, डिज़ाइन भेजो। उन लोगों ने 3,000 डिज़ाइन भेजा, हमने 3 चुना, मोदी जी ने 40 लाख लोगों को ई ग्रीटिंग भेजा। और जो भारत स्वच्छ अभियान देख रहे हैं आप, ये भी नाम गांधी जी के दोनों चश्मे, ये उन्होंने ही बनाया। तो ये देश का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, देख लीजिए आप। 1 दिन में 25 करोड़ अकाउंट खुलते हैं, 2.5 महीने में 7 करोड़ अकाउंट खुलते हैं, 6,000 करोड़ रुपया गरीब लोग जमा करते हैं जिनका अकाउंट आज तक नहीं खुला। इसी हफ्ते विकास की वृद्धि दर आई है इस तिमाही के लिए। क्षमा करिए, महंगाई कम हुई है और विकास की दर घट गई है, 5.7 से 5.3 हो गई। पहले बड़ी थी ना, अरे पर घट गई ना। एक मिनट, अभी फाइनल उसके स्टैटिस्टिक्स आए दीजिए। एक सवाल और जी, अन्या में जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, सुषमा जी का पुराना बयान था कि हमारा एक मरेगा तो 10 मारेंगे। अब यहाँ पे तो हमारे कैंप में आके, हमारे बंकर में घुस के यहाँ पर हिंदुस्तानी सैनिकों को मार दिया, और कांग्रेस पूछ रही है कि क्या कर रहे हैं, जनता भी पूछ रही है कि आपका वादा था कि पाकिस्तान को ठोस जवाब देंगे, यहाँ पर तो वही घुसपैठ, वही हमले जो पिछली सरकार के दौरान हो रहे थे अब भी हो रहे हैं। मैं इसको आपको दूंगा दूसरा जवाब। पिछले महीने जो पाकिस्तान ने हमला किया था, कितनी पिटाई की थी उनकी, ठंडे हुए नहीं हुए थे? पर हमला तो अभी, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, पहले पाकिस्तान की सेना ने किया था, अभी आप ही आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। आतंकवादी को तो हम जवाब दे ही रहे हैं, आतंकवादियों को सबसे बड़ा जवाब क्या होता कि 71% कश्मीर के लोगों ने घाटी में वोट दिया, जिसे आतंकवाद और अलगाववाद का केंद्र माना जाता था। तो उनकी बात जनता नहीं सुन रही है, इससे पाकिस्तान परेशान है और वहाँ के अलगवादी अलगाववादी भी परेशान है, लेकिन जनता उनके बुलेट से नहीं डरती, बैलेट से भारत के साथ रह रही है। और कश्मीर में भी हम अच्छा करेंगे, इस बदलाव को आप नहीं देखते? नहीं, पर देखिए कश्मीर में आप अच्छा करेंगे इसके लिए लगता है कि पार्टी अपनी जो कोर आइडियोलॉजी है उसके साथ कुछ समझौते कर रही है। कोई नहीं, आपका मैनिफेस्टो अभी तक आया नहीं है, आर्टिकल 370 पे आप लोग खामोश हैं। अब मैं जानना चाहूंगा सर ये कि आर्टिकल 370 बीजेपी का जम्मू कश्मीर में आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क का हिस्सा है कि नहीं? हमने आर्टिकल 370 हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है कि नहीं, नेशनल लेवल पर? नहीं, नेशनल लेवल पर जम्मू कश्मीर का पूछ रहा हूं। हमने कहा है कि आर्टिकल 370 पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या कहा है, इस चुनाव में मुद्दा है सुशासन, गुड गवर्नेंस, कश्मीर का विकास, कश्मीरियों के लिए नौकरी, जम्मू लद्दाख के लोगों के लिए नौकरी, ईमानदार शासन, जो वहां के साथ विभेद हुआ है और पिछली 2 सरकारों ने जो अन्याय किया है, कांग्रेस और उमर सब साथ रहे हैं। तो एक सीधा सवाल फिर आपसे, अगर बीजेपी की सरकार बनती है और आपका मुख्यमंत्री बैठता है, तो पहले टर्म में आपका फोकस रहेगा गुड गवर्नेंस पर, नौकरियों पर, आपका फोकस आर्टिकल 370 पर नहीं रहेगा? देखिए फिर आप कह रहे हैं ये आपके सवाल है, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, कश्मीर का विकास, मैं कश्मीर 10-15 बार गया हूँ और आज कश्मीर के आवाम को रोजगार चाहिए, लेकिन हमने ये भी कहा है कि कश्मीरी के पंडितों के लिए 3 सीट रिजर्व होनी चाहिए, उनको वहाँ लाना चाहिए। जो पाकिस्तान से विस्थापित कश्मीर आए थे, जिनको वोट भी देने में कठिनाई होती है, उनके लिए भी सीट रिजर्वेशन का प्रावधान हमने किया है। कश्मीर हिंदुओं का भी है, कश्मीर मुसलमानों का भी है, कश्मीर बुद्धिस्ट का भी है, कश्मीर लद्दाख का भी है, कारगिल का भी है, उधमपुर का भी है, जम्मू का भी है, और बडगम का भी है, अनंतनाग का भी है। ये हमारी दिशा है। नहीं, पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल का जवाब, एक मिनट सुनिए,
आर्टिकल 370 के बारे में राजनाथ जी कहे हैं, बाकी कहे हैं, वो इस चुनाव का मुद्दा नहीं है। इस चुनाव का मुद्दा एक मिनट, मेरी बात सुनिए, इस चुनाव के बारे में हमने कहा चर्चा करेंगे। पर कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी कॉम्प्रोमाइज कर रही है अपनी आइडियोलॉजी से। मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव के पहले आपने इसी प्रकार के सवाल मुझसे पूछे थे, मुझे याद है, और मैंने यही जवाब दिया था कि जनता के रिजल्ट का इंतजार करिए। जनता ने रिजल्ट दिया, हम 282 हो गए। कश्मीर के बारे में भी यही कहूंगा, राहुल कंवल जी, वहां के प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी की ओर, बीजेपी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है, और नरेंद्र मोदी की सभाएं उसका संकेत है कि इतनी बड़ी मीटिंग में, घाटी में नारा क्या लगता है, भारत माता की जय। ये बहुत बड़ी विजय है हमारी। पर ये तो पुंछ में हुआ, उधमपुर में हुआ, कश्मीर घाटी में भी ऐसी सभा होगी? मोदी जाएंगे ना। आपको लग रहा है बन रही बीजेपी की सरकार कश्मीर में? मैं पूरा विश्वास है कि कश्मीर में एक नया माहौल बनेगा। पीडीपी से आप समझौता करेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरा खाली सिंपल कहना है, हमें पूरी उम्मीद लग रही है कि इस बार जम्मू कश्मीर में बदलाव की बहुत ही जोरदार हवा चल रही है, क्योंकि मैं उनकी आंखों में देखता हूं, अभी तक जो वहां सियासत चली है उससे अलग होने के मन की चाहत है। तो ये हुई पहले 6 महीने की बात, अगले 6 महीने का मोदी सरकार का एजेंडा क्या है, ये सवाल पूछेंगे रविशंकर प्रसाद से। एक शंकर प्रसाद है, 6 महीने जो बीते हैं उनकी हमने बात की, अगले 6 महीने में अगर 3-4 बड़े वायदे आपको जनता को बताने जो पूरे आप कर पाएंगे, आप क्या कहें, क्योंकि हम 6 महीने बाद वापस आ जाएंगे आपके। नहीं देखिए, पहली बात यह है, मैं एक बात, डिजिटल इंडिया की चर्चा बहुत सुन रहे हैं हम, पूरे देश के ग्राम पंचायतों को आने वाले 3.5 वर्षों में जोड़ने वाले हैं नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से। उसमें पहला चरण हो रहा है जो अप्रैल तक चलेगा, उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ी बात है डिजिटल साक्षरता। हम गरीब से गरीब लोगों को पढ़ाना, 2 घंटा 10 घंटा 20 घंटा, और मैंने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है दो चीज़। एक कि जितने छोटे छोटे मुफस्सिल टाउन हैं वहाँ BPO ला सकें, इसकी नीति बनाओ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मद्रास, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, यही IT सेंटर्स बन रहे हैं। हम चाहते हैं छोटे शहरों में, सीतामढ़ी में, समस्तीपुर में, देवरिया में, बस्तर में, बक्सर में, आपके इस गोरखपुर में खुले। हमारे मन में एक बहुत बड़ी कल्पना है, मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आज आप पूछ रहे हैं कि मेरे लिए डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब एक दलित गाँव में हमारी एक दलित बहन कंप्यूटर ट्रेंड होकर के लोगों को डिजिटल सर्विस देगी। ये मैं भारत के डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी सफलता मानता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हम बहुत पुश कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए, इस देश में 90 करोड़ मोबाइल फ़ोन हैं, बनते कम हैं, इतना TV है, सिम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं जर्मनी गया था, साउथ कोरिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स को हम काफ़ी लाए हैं, अभी भोपाल जबलपुर में लाया है। तो बड़े बड़ी कंपनियाँ भारत में आने को तैयार हो रही हैं, उसको पुश करना है। भारत में औद्योगिक क्षमता, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, रेलवे का सुधार, ये सब हमारे योजनाएं हैं। पूंजी निवेश बजट आने वाला है, देख लीजिए। आपको बताते हैं, हम भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां लोग आए, मेक इन इंडिया करें, हिंदुस्तान के लिए भी बनाएं और बाहर में एक्सपोर्ट भी करें, उसके मिल को सुविधा मिले। कुछ लोग ये हैं जो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान के साथ शांति ना हो, अमन ना हो, तब तक हिंदुस्तान विकास और तरक्की के रास्ते पर नहीं चल सकता। लगता है कि भारत और पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां से हम ना आगे बढ़ पा रहे हैं और पीछे ही लगातार चले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हाई कमिश्नर के हुर्रियत के नेताओं से मिलने पर ये जो बातचीत हमने कैंसिल की, क्या वो गलत फैसला था या सही फैसला? बिल्कुल नहीं गलत था। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि भारत की सेंसिटिविटी क्या है। रिश्ता बनाना है भारत के साथ अच्छा कि बनाना है अलगाववाद के साथ अच्छा? अगर भारत के प्रधानमंत्री जाएं पाकिस्तान और सबसे पहले पाकिस्तान के अलगाववादियों से मिलना शुरू करें, वहाँ भी तो सिंधी हैं, वहाँ भी बलूच हैं ना, उनकी भी सोच ज़बरदस्त है, आपको मालूम है, ये तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि अभी हमारे साथ सरताज अजीज और हिना रब्बानी खार थे इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल पर, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक मुद्दा नहीं रहा है, सिंध भी कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक मुद्दा नहीं रहा, जबकि कश्मीर हमेशा से एक मुद्दा रहा। मैं पाकिस्तान की नज़र से सवाल पूछना चाहता हूँ, और उनका सवाल यह है कि हुर्रियत के नेताओं से ना मिलना एक ऐसी रेड लाइन है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जो कि पाकिस्तान का कोई भी वजीर आज़म कभी भी मान नहीं सकता। तो उनका ये मानना है पाकिस्तान की नज़र से कि जो आप मांग रहे हैं वो पाकिस्तान का PM दे नहीं सकता, ऐसे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कहाँ जाएं? नहीं, क्षमा करिए, देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी हो या लालकृष्ण आडवाणी हो, सबों ने क्या कहा है कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं। और आज भी आपके माध्यम से मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कहते हैं हम पाकिस्तान की खुशामदीद चाहते हैं, वो तरक्की करे, आगे बढ़े, लेकिन पाकिस्तान की जो इंटरनल समस्या है
वहाँ से आतंकवाद भारत के खिलाफ होता है। आज भी आपने देखा जो कश्मीर में हुआ है, क्या हुआ क्यों हुआ, जब तक ये चलेगा तो बातचीत कैसे होगी। फिर भी हम आतंकवाद के मुद्दे के साथ कार्रवाई होनी चाहिए उस पर भी बातचीत करने को तैयार हैं, तो आप पहले आते हैं कि अलगाववादियों से मिलेंगे। तो अलगाववादियों के सर्टिफिकेट की बिना पर भारत ऐसे बड़े मुल्क के पीएम और विदेश मंत्री से बातचीत या सेक्रेटरी से बातचीत का कितना बुनियादी स्वरूप बनेगा। चलिए ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। आपकी नज़र से अगर पाकिस्तान अपने रवैये पर कायम रहे, हिंदुस्तान अपनी पोजीशन पर कायम रहे, तो क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे ही अधर में रहेंगे? हम जब पाकिस्तान की चाहते हैं तरक्की, अमन, चैन, तो पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा कि भारत की भी अपनी कुछ संवेदनशीलता है। अगर पाकिस्तान के लोग आएंगे नेता और पहले अलगाववादियों से ही बातचीत करेंगे, आप देखिए हम कैसे काम करते हैं। आज बहुत सारे जो अलगाववाद की बात करते थे वो भारत के संविधान की शपथ लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं कश्मीर में, बोलिए। जिनको आप कोसते थे अब आपके पार्टनर बने, अब वो तो आपका कहना है। नहीं, सज्जाद लोन तो अब बीजेपी के साथ ही लड़ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सज्जाद लोन ने ईमानदारी से अगर मोदी जी की तारीफ की, नहीं आके मिले भी, हाँ मिले, और उन्होंने क्या कहा, फ्रेंडली फाइट हो रही है, अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि ईमानदारी से मोदी जी ने काम किया कश्मीर के लिए, मोदी जी ने कितना काम किया, जैसे ही बाढ़ वहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बातचीत करना चाहते हैं लेकिन हम अपनी शर्तों पर, ये कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। आपने वक्त दिया और 6 महीनों के लिए आपने कई वायदे भी किए। 6 महीने बाद दोबारा लौटेंगे, फिर से पूछेंगे आपसे कि रिपोर्ट कार्ड में जो वायदे थे वो पूरे हुए कि नहीं। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, कहिए, 5 साल के बाद एक ही बार हिसाब लीजिएगा। हाँ। देश की जनता भी खुश होगी, फिर तो लेट हो जाएगा, और शायद आप भी खुश होंगे। लगातार नजर रखनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आपने बहरहाल हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, तो ये थी रविशंकर प्रसाद से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/seedhibaat। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए